हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए संडे के एपिसोड में क्या हुआ वो आपको बताने के लिए आ गई हूं। और पहले ही बता देती हूं कि मुझे जो पवन अरुणिता का जो डांस था, वो ड्रीम सीक्वेंस जो था, वो बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी सारी यादें ताजा हो गई, वो जो इन सारी छेड़छाड़ चला करती थी पवन अरुणिता को लेकर, या मैं किसी को पूछ रही हूँ कि अच्छा कैसे क्या किधर, सो वो सब एक साथ मेरी नजरों के सामने आ गया। एंड इट वॉज व्हाट अ ट्रीट टू वॉच। दोनों बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रहे थे and Pawan was doing it so well, so I was very happy. बहुत मजा आ रहा था वो देखने में। Anyways, अब गाने की बात करते हैं, okay? Samaira Vishwajai, Hi Chaka Chak गाना गाया और क्या dancing number था। बच्चे भी नाच रहे, मेरी खुद की भी dance करने की इच्छा हो गई थी। It was nice. Arinanda, Maurice Saiya, जब Arinanda just 13-14 साल की है और इतने maturity के साथ जब वो ये गाना गा रही थी, तो मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने वापस से एज देखी, मैंने कहा ये लड़की गड़बड़ से कहीं छोटे वाले सेगमेंट में तो नहीं आ गई, ये बड़े वाले बच्चों में जाना चाहिए, बट नहीं, जिस एज की है उसके हिसाब से बहुत मैच्योरली इस सॉन्ग को हैंडल किया और मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फैज और अरुणिता का कलंक था। फैज मुझे क्यूट लगता है, बड़े चॉकलेटी बॉय है। अरुणिता ऑल्सो सैंग कलंक सॉन्ग, जो कि मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग कलंक सॉन्ग की अब मैं जब भी बात करती हूँ, मुझे जाने क्यों पवन के आवाज और उनका फेस और उनका जो वो परफॉर्म करते हैं, तो वही चीज याद आ जाती। तो जब वो अरुणिता ही वाला गाना गा रही थी, मुझे एकदम से ऐसे देखने में बहुत अनोखा सा लग रहा था कि अच्छा ये परफॉर्म कर रही इस सॉन्ग पे, अरे वाह चलिए देखते क्या करते हैं। और फैज तो है क्यूट, 13-14 साल के लड़के की जितनी कैपेसिटी होती है, आई थिंक उस कैपेसिटी को वो फुल यूज कर रहे हैं। और अभी तो बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मुझे फैज से सुननी है, लेकिन एक बात तय है, पवन के कलंक की बड़ी याद आई। आए हाय, ऐसा लगा कि मैं सुन लूं एक बार। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने पवन की आवाज में कलंक वाला गाना फिर से सुना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सोयब ओ लाल मेरी, मजा आ गया था, सिंपल मजा आ गया था। क्या दमदार है आवाज, क्या हिम्मत के साथ वो गाना निभा रहे हैं। सोयब अली छोटा सा बच्चा है और क्या गाता है वाला गाना। आई मीन आई कुड फील दैट वाइब्रेशन। मैं टेलीविजन के सामने थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वहां पर होती तो शायद मैं ऐसी हिल रही होती। बहुत सुंदर परफॉर्म किया था। उसके बाद फिर प्रत्यूष सैली आया। प्रत्यूष मुझे बहुत क्यूट लगते हैं और वो जिस तरीके से बदमाशी भरे अंदाज के साथ सैली के साथ गाना गा रहे थे, वादा करो नहीं छोड़ोगे, अभी उसको देख के ऐसा लगता है कि वो ना सबको दिखाना चाहता है कि लिसन मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, सुनो मेरी बात। सो वो जो उनका स्टाइल है वो बहुत क्यूट है। साईशन पवन, जाने जा ये वाला गाना गाया पवन को बहुत टाइम बाद। उस मंच पे जब मैं प्रॉपरली गाता हुआ देख रही थी रियलिटी शो के टाइम में, तो बहुत सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, मतलब इट वाज कंप्लीट नॉस्टैल्जिया। एंड देन सामने इतनी क्यूट लड़की गाना गा रही थी, साईशा, इतनी प्यारी लगती है ना वो, मतलब वो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी निकल कर आती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस है, एक जो सोच है कि आगे बढ़ना है मुझे और मुझे मेरे टीचर से हर चीज सीख लेनी है, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्गली ये एज अ कंटेंडर बनकर निकल कर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। कल का जो उन्होंने परफॉर्म किया है देखकर तो यही लग रहा था मुझको। उसके बाद फिर हर्षिता और ऋतुराज, तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, एंड आई थिंक इससे ज्यादा क्यूट और हिलेरियस ये वाला गाना आज तक कभी किसी ने परफॉर्म नहीं किया। व्हाट अ क्यूटनेस, कितना भोलापन था वो जो ऋतुराज है। मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि कुछ गाएगा और उसे छड़ी पड़ेगी कुछ गाएगा और उसके कानों में ठे जाएंगे, लेकिन जब गाता है आए हाय मजा आ जाता है। टू गुड यार, आई रियली लव दिस बदमाश बच्चा। और उसके बाद अरुणा ने आउट ट्विस्ट करे ये वाला गाना गाया। फ्रेंड्स, अब दोनों दिन के हिसाब से उनको पांच बच्चे जजेस को चुनने थे कि कौन से ऐसे पांच बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने चुनने के पहले एक चीज कही कि हम टीम को भी चुनने वाले हैं, और उसके बाद उन्होंने दानिश की टीम को चुना। हालांकि मुझे लगा किसी अब जजेस का अपना डिसीजन है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए आई वाज लाइक हैं ये वाली टीम जीत गई, अच्छा फिर वो और ये वो, मतलब मैं ऐसे सोच में आ गई थी। मेडल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें ऋतुराज, आर्यनंदा, प्रत्यूष, समायरा और प्रांजल को दिए गए। ऋतुराज लवली, आर्यनंदा डेफिनेटली, प्रत्यूष क्यूट, समायरा प्यारी सी, प्रांजल टू गुड। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि इन टॉप फाइव में साईशा का नाम आ सकता है, एंड वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, वो जिस तरीके से, मतलब वो जो पवन और साईशा की जोड़ी जो गुरु शिष्य की थी, वो
बहुत परफेक्टली बाहर निकल कर आ रही थी एक दूसरे को संभालते हुए। साईशा कैसी है, मैं ऐसा गा रही हूँ एंड पवन उसको सपोर्ट कर रहे हैं एकदम प्यार से कि हाँ बेटा तुम आगे बढ़ो। तो मुझे वो जोड़ी बहुत अच्छी लगी, साईशा और पवन के गाने में कुछ अलग मजा था। एनीवेज सो आप मुझे बताइए आपको ये पूरा शो कैसा लगा और आपने कलंक सुना वापस से? अगर सुना है तो सर लिख कर बताइए क्योंकि ये वाला गाना ना आप मुझे सीरियसली पवनदीप ने गाया है ऐसा याद रहने लग गया है। जय हिंद।